यस, कल के प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने मेटलिक कोटिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि फर्स्ट हमने एनोडिक कोटिंग पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने गैल्वनाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में हमने जो बेस मेटल था, यानी कि जिससे हमें प्रोटेक्ट करना था, उसको हमने कैथोड बनाया था, और जिंक को हमने, जिंक कोटिंग जो की थी उसको हमने एनोड बनाया था। नाउ अब हम कैथोडिक कोटिंग पढ़ेंगे। इसके अंदर जैसे टाइनिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, तो कैथोडिक कोटिंग के अंदर आता है आपका टाइनिंग प्रोसेस। कैथोडिक कोटिंग, कैथोडिक कोटिंग का मतलब है जो हम, जिस मेटल को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो कोटिंग कर रहे हैं वह कोटिंग एज कैथोड वर्क करेगी, जबकि जो मेटल हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वह एज एनोड प्रोटेक्ट करेगा। जब एज एनोड प्रोटेक्ट करेगा तो नेचुरल बात है कि हमारा जो मेटल जिसको कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर पोजीशन पर होगा, और जिसकी कोटिंग हम कर रहे हैं वो नोबल मेटल होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उस मेटल से लोअर पोजीशन पर होगा। लोअर पोजीशन पर होने की वजह से आपका जो नोबल मेटल है वो एज कैथोड वर्क करेगा, जबकि आपका जो नोबल मेटल है यानी कि कोटिंग मेटल है वो आपका एज कैथोड वर्क करेगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि टाइनिंग प्रोसेस किस तरह करेंगे। टाइनिंग का मतलब है कि हमें टिन की कोटिंग करनी है। टिन की कोटिंग करनी है, हमने मान लीजिए स्टील लिया है, यानी आयरन स्टील या आयरन आर्टिकल लिया है, और इसके ऊपर हमें टिन की कोटिंग करनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन अपर पोजीशन पे होता है, जबकि टिन उससे नीचे पोजीशन पर होता है। अपर पोजीशन पर होने की वजह से आयरन एज एनोड वर्क करेगा, जबकि टिन आपका एज कैथोड वर्क करेगा। अब हम जब तक, हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि कोरोजन के केस में जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और वह उसी का कोरोजन हो रहा है। जब हम इसका टाइनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो इस कंडीशन में जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है, अगर हम उसी को एनोड बना रहे हैं तो प्रोटेक्शन किस तरह से होगा। ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो हमने टिन की कोटिंग की है, इस टिन की कोटिंग में क्या होगा कि हमें इसको एकदम स्मूथ कोटिंग करनी है। स्मूथ कोटिंग का मतलब है कि इसके अंदर किसी भी तरीके के पोर्स प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि हिट्रोजेनाइटी नहीं होनी चाहिए, एकदम होमोजीनियस कोटिंग होनी चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसमें कोई ब्रेक्स या कोई भी हेयरलाइन क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर हेयरलाइन क्रैक्स प्रेजेंट हो जाते हैं लाइक दिस, अगर कोई क्रैक इसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है इस कोटिंग के अंदर, तो यहाँ जो अंदर का आपका आयरन है ये एज एनोड वर्क करेगा। एज एनोड वर्क करने की वजह से कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइनिंग प्रोसेस में जो हमें ध्यान रखने वाली बात है मेन, कि यहाँ जो भी कोटिंग हम कर रहे हैं, टिन की कोटिंग कर रहे हैं, एकदम स्मूथ और पोर से फ्री होनी चाहिए, किसी भी तरीके के इसके अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार क्रैक प्रेजेंट होने के बाद इसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। टाइनिंग प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि ये कोटिंग है, अगर क्रैक्स प्रेजेंट होता है तो आयरन आपका एज एनोड वर्क करने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन शुरू होने से ये इस पर कोरोजन हो जाएगा, जबकि जो आपका कोटिंग पार्ट है ये एज कैथोड वर्क करेगा। एज कैथोड वर्क करने के कारण इस पार्ट को कोई कोरोजन नहीं होता इस पार्ट में, लेकिन इस क्रैक के थ्रू इस कोटिंग के नीचे कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे पूरा आयरन कोरोड होना स्टार्ट हो लेता है। अब इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोरोजन नहीं हो, इससे प्रोटेक्शन का केवल एक ही है कि टाइनिंग प्रोसेस में हमें टिन की कोटिंग एकदम स्मूथ यानी कि कम्प्लीटली कंटिन्यूस कोटिंग करनी होगी, जिसमें कि कोई भी ब्रेक ना हो। प्रोसेस क्या होगा, टाइनिंग प्रोसेस क्या होगा, कि जिस तरह से गैल्वनाइजेशन में हमने आर्टिकल को डस्ट फ्री कर लिया था या कोई भी इम्प्योरिटीज़ इसके ऊपर प्रेजेंट थी सरफेस पर, उन्हें हम
रिमूव आउट कर लिया था, इसी तरह से यहाँ पर भी हम आर्टिकल को इनकी इम्प्योरिटी से रिमूव आउट कर लेंगे, यानी कि किसी भी इम्प्योरिटी, किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए आर्टिकल की सरफेस पर। इसके लिए हम इस आर्टिकल को सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 में डिजॉल्व रखते हैं, डाइल्यूट H2SO4 में वॉश करते हैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3-5 मिनट्स के लिए। आफ्टर दैट टैनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आपका डस्ट फ्री या इम्प्योरिटीज, सरफेस इम्प्योरिटीज फ्री स्टील शीट है या आयरन शीट है, इस आयरन शीट को मॉल्टन टिन में से पास करते हैं, रोलर्स के थ्रू करते हैं, जिससे रोलर्स के थ्रू करने से क्या होगा कि हमें एक स्मूथ लाइनिंग हमें मिलती है, स्मूथ आर्टिकल है। या इसको जब हम मोल्टन टिन के अंदर पास ऑन करते हैं तो इसके ऊपर की टिन का, मोल्टन टिन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए हम इसकी टॉप सरफेस पर जिंक क्लोराइड फ्लक्स की एक लेयर डाल देते हैं। इस लेयर के डालने से मोल्टन टिन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। फर्दर हम इसको मोल्टन टिन में से पास ऑन करके यहाँ पर टाइनिंग प्रोसेस हो जाता है। इस टाइनिंग प्रोसेस के बाद हम इसमें जो एक्स्ट्रा टिन प्रेजेंट हो जाता है इसको हम रिमूव आउट करते हैं। एक्स्ट्रा टिन को रिमूव आउट करने के लिए हम इसे पाम ऑयल के अंदर डालते हैं, पाम ऑयल के अंदर डालते हैं। यहाँ पाम ऑयल क्या करेगा, पाम ऑयल क्या करेगा, यहाँ पाम ऑयल क्या करेगा कि यहाँ जो एक्स्ट्रा टिन इस पर लगा हुआ है, इस एक्स्ट्रा टिन को हम पाम ऑयल में डिजोल्व आउट कर देंगे, तो यहाँ स्मूथ सरफेस आपकी जो आर्टिकल होगा इस पर स्मूथ कोटिंग होगी, यानी कि यूनिफॉर्म कोटिंग होगी जिसकी थिकनेस होगी। रोलर्स के थ्रू पास ऑन करते हैं, रोलर्स के थ्रू हमारी जब शीट रोलर्स में से पास ऑन होती है तो नेचुरल बात है कोटिंग को वो यूनिफॉर्म कर देती है। एक्स्ट्रा पाम ऑयल है जिसको कि अब हम शीट को रॉ में या डस्ट में, सॉडस्ट में डाल देते हैं। सॉडस्ट उस पर एब्जॉर्ब हो जाएगी और पाम ऑयल पर स्टिक हो जाएगी। जो शीट के ऊपर पाम ऑयल अभी लगा हुआ है उस पर सॉडस्ट स्टिक हो जाएगी और उस सॉडस्ट को बाद में हम क्लीन कर देते हैं ब्रश के थ्रू रब करके। इस तरह से हमें पॉलिश्ड टिन शीट मिल जाती है। यहाँ गैल्वनाइजेशन और टैनिंग प्रोसेस में हम ध्यान रखें कि गैल्वनाइजेशन में जो उसकी लिमिटेशंस थी उसके अंदर क्या है कि गैल्वनाइज्ड यूटेंसिल्स को हम फूड के स्टोरिंग में काम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फूड जनरली आपके एसिडिक होते हैं, जिसमें कि हम जो हम खाना बनाते हैं वो जनरली एसिडिक होता है और टिन आपका डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से खाना आपका पॉइजनस हो सकता है। लेकिन जो हम टिन कोटेड यूटेंसिल्स हैं उन्हें हम फूड स्टोरेज में काम में ले सकते हैं, क्योंकि टिन का इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता, ये नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हम कोरोजन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या कोरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमें है कि हम इलेक्ट्रोड्स का प्रोटेक्शन करें। इलेक्ट्रोड्स का प्रोटेक्शन का मतलब है कि जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है उस मेटल को हमें कैथोड बनाना है। अब कैथोड बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हम जो कैथोड बना रहे हैं तो हमेशा ही उसको कैथोड बना के रखें और दूसरे को हमेशा ही एनोड बना के रखें। इसके लिए भी डिफरेंट वेज हैं, जिसमें से हम दो पढ़ रहे हैं आपको कि सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन एंड दूसरा है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ जो एनोड हम बनाएंगे वह एनोड सैक्रिफाइस करता है, यानी कि खुद तो कोरोड हो जाता है, खुद आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होने की वजह से खुद कोरोड हो जाता है और जिस मेटल को या जिस मटेरियल को, जिस थिंग को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको कोरोड होने से रोक देता है। इसके लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ जैसे आपका
अर्थ के अंदर जो पाइपलाइंस वगैरह होती हैं इन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये आपका कोई भी पाइपलाइन है जो कि अर्थ के अंदर है, या किसी तरीके से ये अंडरग्राउंड केबल्स हैं, कोई भी मरीन स्ट्रक्चर है, वाटर है, शिप्स सॉल्ट्स हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? अर्थ के अंदर ऐसा नहीं है कि हम कोई और प्रोसेस करें कि अर्थ के अंदर जो ऑलरेडी दबी हुई पाइपलाइंस हैं उन्हें हम कोटिंग कर दें। हम अंदर ही अंदर सॉइल के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इन पाइपलाइंस को एक वायर के थ्रू, जो कंडक्टिंग वायर है, इस वायर के थ्रू दूसरे मेटल से जो कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उस मेटल से कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, ये आयरन की पाइपलाइन है। इस आयरन की पाइपलाइन को एक कॉपर वायर से कनेक्ट करके हमने मैग्नीशियम के एनोड से कनेक्ट किया हुआ है। यह मैग्नीशियम एनोड सैक्रिफिशियल एनोड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये खुद सेक्रीफाइस करता है कोरोड होकर, ये कोरोजन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि अब इस तरीके से जब क्रिटस तैयार कर देंगे हम, तो यहाँ जो आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसमें एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने का या मोर एनोडिक नेचर होने की वजह से कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें कोरोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू यहाँ पर कैथोड का प्रोटेक्शन हो जाता है। जो कैथोडिक रिएक्शन होती है ये अल्टीमेटली यही रिएक्शन होगी जो कि हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैथोड पर रिएक्शन किस तरह से होगा। यहाँ एच आयंस का, जो एच आयंस प्रेजेंट होंगे ये वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो एच आयंस हैं। ऑक्सीजन वाटर में जो डिजोल्व है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन होगी। इस तरह से ये इसका प्रोटेक्शन हम रोक सकते हैं। सेकंड है आपका इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ हमने, ये तो हमने जो सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन लिया था, इसके अंदर तो हमने जो पाइपलाइन थी यानी कि आयरन थी, आयरन को हमने कैथोड बनाया था और एनोड हमने मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मटेरियल का लिया था। यहाँ हम जो एनोड ले रहे हैं ये एनोड नोबल मेटल है। फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पर जो बरीड पाइपलाइंस हैं, यहाँ हमने ग्रेफाइट का नोबल मेटल है, इसलिए हमने इसको ग्रेफाइट का एनोड लिया हुआ है। मोर नोबल है कैथोड से, मोर नोबल मेटल है, इसलिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा करंट अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इम्प्रेस्ड करंट अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अंदर ये आपके सॉइल के अंदर ये डिजॉल्व है। यहाँ पर ये सॉइल है और इस सॉइल के अंदर ये पाइपलाइंस लगी हुई हैं। इन पाइपलाइंस को एक कॉपर वायर के थ्रू हम डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। ये डीसी वोल्टेज को यहाँ पर हमने ग्रेफाइट, जो मोर नोबल मेटल है, उससे हम कनेक्ट किया हुआ है। ग्रेफाइट को हमने बैकफिल में दबाया हुआ है। बैकफिल के अंदर क्या होता है, बैकफिल जो हमने लिया है, बैकफिल जनरली क्या होता है, बैकफिल में हमने, बैकफिल जो होता है क्या है ये कि बैकफिल के अंदर हमने लिया है कोक ब्रीज या फिर आपका कोक ब्रीज लिया या हमने जिप्सम लिया हुआ है। ये दोनों किस तरह के हैं, इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है। लो रेजिस्टिविटी का मतलब है कि इनकी कंडक्टेंस पावर ज़्यादा होती है। जब यहाँ पर अब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एनोड का, ये जो हमने मोर नोबल मेटल का ग्रेफाइट एनोड लिया है, इस एनोड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया किस तरह से इंक्रीज करेगा, यहाँ इसके दो फैक्टर्स हैं ब्लैकफिल के, कि ये इस एनोड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा। इट मींस क्या है
इस सर्किट को जब हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ये सॉइल के थ्रू कंप्लीट होगा, सॉइल में से करंट पास आउट होगा, बैकफिल जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये बैकफिल ग्रेफाइट एनोड और सॉइल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक देता है, जिससे सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो केमिकल्स हैं इनका रिएक्शन ग्रेफाइट से नहीं होता। सेकेंडरी जो बैकफिल है, ये बैकफिल यानी कि कोक ब्रिज और जिप्सम जिनकी लो रेजिस्टेंस पावर है तो एक हाई कंडक्टेंस पावर होगी, इसलिए इजीली ये करंट को फ्लो करते हैं, इजीली करंट यहाँ से कंडक्ट होता है, सॉइल के थ्रू करंट कंडक्ट होता है और इस तरह से हमारा सर्किट पूरा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, लेकिन जो करंट फ्लो होगा वो करंट किस तरह से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसलिए करंट इस तरह से फ्लो होगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मोर नोबल मेटल हमने लिया है, इसलिए यहाँ पर ग्रेफाइट जो एज एनोड वर्क करेगा, ये एनोड इस बरीड पाइपलाइन को जो एज कैथोड वर्क कर रहा है इसे कोरोजन से प्रोटेक्ट कर देगा। दैट्स फाइनल कि ये हमारा किस तरह से हम इलेक्ट्रोड को प्रोटेक्ट करके हम कोरोजन से इलेक्ट्रोड को या अपने किसी भी कोरोडिंग मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, करंट अप्लाई किया हुआ है या डीसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है हमने, जिस मेटल पर हमें प्लेटिंग करनी है उसे हमने कैथोड लेना है, यानी कि इसको कोरोजन से प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से, और जिसकी प्लेटिंग करनी है जो कि नॉन कोरोसिव मेटल होता है इसकी हमें प्लेटिंग करनी है, इसे हमें एनोड लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एनोड का नेचुरल बात है कि जब ये डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम तो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व आउट होगा, एनोडिक रिएक्शन होगी। एनोडिक रिएक्शन होने की वजह से जो एनोडिक मटेरियल है, पॉजिटिव आयंस हैं, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाएंगे। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाने के बाद जो धीरे धीरे ये क्या होंगे कि यहाँ पर कंडक्ट होते हुए इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पर, और डिपॉजिट होकर एक लेयर इसकी फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है, इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर एक प्लेटिंग हो जाएगी, और इसकी प्लेटिंग होने से ये कैथोड साइज में बड़ा होता चले जाएगा और एनोड का साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। तो एनोडिक मटेरियल को जो कि कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होगा, इस तरह से हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही है इसलिए इस प्लेटिंग को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैथोड निकिल का लेते हैं, सॉरी अगर हम एनोड निकिल का लेते हैं और कैथोड एल्युमिनियम का लेते हैं, तो एल्युमिनियम को फर्दर कोरोजन से रोकने के लिए निकिल की प्लेटिंग की जाती है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है वो निकिल एल्युमिनियम सल्फेट लिया जाता है। जब करंट पास ऑन होती है तो निकिल एज Ni+2 आयंस सॉल्यूशन में आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आता है, और फर्दर डिफ्यूज होकर माइग्रेशन के थ्रू ये कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पर एक फॉर्म अपनी बना लेता है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ प्रिकॉशन रखने वाली बात है कि हम जो आर्टिकल या जिस मटेरियल को हमने कैथोड बनाया है, जिस पर की प्लेटिंग करनी है, उस प्लेटिंग को पहले ही हम क्लीन आउट कर लें, जिस तरह से गैल्वनाइजेशन और टैनिंग प्रोसेस में हमने किया था, बाय यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अगर कोई चिकनाई है तो उसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के थ्रू रिमूव आउट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई स्केल फॉर्मेशन है उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन से रिमूव आउट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट योर कोरोजन टॉपिक, एंड जो आपके
सिग्निफिकेंस ऑफ कोरोजन है और जो आपके प्रिवेंशन है, कंट्रोल, किस तरह से हम कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको ग्रुप में कल सेंड कर दूंगी, आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके ये नोट्स भी कंप्लीट है और ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लुब्रिकेंट से स्टार्ट करेंगे। लेट्स ऑल।